हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। तो आज हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेश वीडियो में मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस के कंसेप्ट एंड फॉर्मेट्स बताए थे, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए। चलिए हम अपनी सेकेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स बताऊँगा एंड एक क्वेश्चन कराऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें हमारी सारी एंट्रीज कवर हो जाती हैं, मेन मेन एंट्रीज, और वो बहुत टिपिकल क्वेश्चन भी है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। मैंने आपको जैसे भी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। इस क्वेश्चन में हम बैलेंस शीट बनाना भी सीखेंगे कि हम बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली है क्या, जब फर्म के एसेट्स, जो फर्म के एसेट्स हैं वो इक्वल आए कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ के, दैट इज एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हुई, उसे कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, इसमें तीन टर्म्स हमें और क्लियर कर लेते हैं, हमने काफ़ी टर्म्स क्लियर करी थी पहले वाले क्वेश्चंस में भी, और अब देखते हैं इसे कि ये तीन टर्म्स कौन कौन सी है जो कि काफ़ी स्पेसिफिक है, एंट्रीज हैं जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा आती हैं। तो सबसे पहली एंट्री देखते हैं हम। सबसे पहली एंट्री हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, जैसा कि कैपिटल आपको पता है लाइबिलिटी है। ओके, लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि ये बिजनेस का पैसा होता है, हमें बिजनेस सॉरी ओनर का पैसा होता है, तो ये ओनर को हमें, हम यानी बिजनेस, बिजनेस को आगे पे करना होता है, इसलिए ये उसके लिए लाइबिलिटी हुई। अब यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आ रही है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें, हमें यानी बिजनेस को देना होता है या हमें मिलेगा, हमें देना होता है इंटरेस्ट। ओके, तो इंटरेस्ट हमें देना है तो ये हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, और सारे एक्सपेंस और लॉस हम कहाँ से एडजस्ट करते थे, कैपिटल में से, तो अब हम इसे कैपिटल में से लेस कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट इफेक्ट हो गया। सेकेंड इफेक्ट ये हुआ कि ये प्रोपराइटर का क्या हो गया, एक तरीके से इनकम हो गई इस प्रोपराइटर के लिए, तो ये हम ऐड कर देंगे कैपिटल में। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं हम अपनी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हेयर ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स क्या होती है, जब भी ओनर अपने बिजनेस से कुछ कैश, कुछ फर्नीचर या कुछ भी गुड्स अगर अपने पर्सनल यूज के लिए टेक ओवर कर लेता है तो वो होता है ड्रॉइंग्स। ओके, अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात आ रही है, तो ड्रॉइंग्स पे हमें इंटरेस्ट देना है या हमें लेना है, हम कौन है, बिजनेस है, तो हमें इंटरेस्ट इस पे लेना है क्योंकि ये ड्रॉइंग्स हमारी थी, जो कैश था वो हमारा था, जो गुड्स था वो हमारा था, तो इस पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, मिलेगा यानी ये हमारे लिए इनकम है। ओके, अब इनकम है, प्रॉफिट है, तो हम कैपिटल में इसे एडजस्ट कैसे करेंगे, ऐड करके एडजस्ट करेंगे। एंड इसका दूसरा इफेक्ट क्या हुआ, प्रोपराइटर, प्रोपराइटर के लिए ये, ओनर के लिए ये लॉस हुआ कि उसे अब ज़्यादा पे करना होगा, तो इसे हम कैपिटल से एडजस्ट करेंगे उसे माइनस करके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है एक्सपेंस अकर्ड बट नॉट पेड। एक्सपेंस हमारा हो गया है बट अभी तक हमने उसे पे नहीं किया है, पे हमने नहीं किया है तो हमें पे करना है, तो जो भी चीज पे करनी होती है वो क्या होती है, लाइबिलिटी, तो ये हमारी लाइबिलिटी है। ओके, अब यहां बात आ रही है हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जब भी हमारे पास ट्रांजेक्शन होगी तब हम उसमें क्या करेंगे, हम उसे लाइबिलिटीज के नाम से दिखाएंगे, यानी लाइबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, एंड ये हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस, लॉस होता है, एक्सपेंस बेसिकली लॉस होता है, तो कैपिटल में से इसे डिडक्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ एक एग्जांपल लिया है मैंने सैलरीज आउटस्टैंडिंग का। सैलरी क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है, और ये एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो रहा है 500 रुपीज़ के साथ। अब लाइबिलिटी में दिखाएंगे हम सैलरीज आउटस्टैंडिंग में 500 रुपीज़, एंड माइनस कहाँ से करेंगे, कैपिटल में से 500 रुपीज़। सेम ऐसे अगर रेंट आउटस्टैंडिंग होता उसे भी हम ऐसे करते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी मेन क्वेश्चन है वो, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद आप हर तरीके की एंट्रीज कर सकते हैं।
तो चलिए वो क्वेश्चन देखते हैं। हम अपना क्वेश्चन है हमारा, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अनिल हैड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अनिल एक प्रॉपराइटर है, एक ओनर है, उसकी ये ट्रांजेक्शंस है बिजनेस की। सबसे पहली ट्रांजेक्शन है कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। उसने बिजनेस स्टार्ट किया कैश ₹50,000 के साथ। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। मैंने आपको फॉर्मेट बनाना सिखाया था मेरी फर्स्ट वीडियो में, ओके? तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया हुआ है, तो आप सबसे पहले फॉर्मेट बनाइएगा। और फॉर्मेट हमें बनाना है बिल्कुल स्केल से, पेंसिल से फॉर्मेट बनाना है, ओके? तो चलिए हम अपना इसे बनाते हैं। सबसे पहले हमारा आता है सीरियल नंबर, देन फिर हमारे ट्रांजेक्शन्स आते हैं, ओके? ट्रांजेक्शन्स में क्या करना होता है, जो हमें एंट्रीज दी है, कि जो एंट्रीज है हमारी, इसे समराइज्ड वे में हमें सेम टू सेम लिखना होता है, ओके? तो चलिए इसे आप लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे डैश लगा लेता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस की शॉर्टेज है इसलिए, ओके? हमारी फर्स्ट एंट्री थी कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹50,000। ₹50,000 के साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने सीरियल नंबर डाला, फिर यहाँ पे मैंने ट्रांजेक्शन लिखनी है, ओके? अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास कैश आया, बिजनेस के बाद कैश आया। कैश कितना आया, ₹50,000 का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैश लिखेंगे एसेट के नीचे, कैश, कैश के अंडर लिख देंगे हम ₹50,000। अब एक इफेक्ट तो ये हो गया कि हमारे पास कैश आया, और ये हमारे लिए क्या हो गई, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी किस नाम से, कैपिटल के नाम से। तो कैपिटल के नाम से हम लाइबिलिटी अलग से दिखाते हैं यहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो कैपिटल लिखेंगे यहाँ, एंड नेक्स्ट लाइन में अमाउंट लिख देंगे ₹50,000। अब एक बार देखिए कि ये दोनों साइड एकदम बराबर होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ओके? 50,000 एंड 50,000, करेक्ट। कम टू आवर नेक्स्ट एंट्री। अवर नेक्स्ट एंट्री इज परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹30,000। वी हैव परचेज गुड ऑफ ₹20,000 ऑन कैश एंड ₹30,000 इन क्रेडिट। तो सबसे पहले हम कैश वाली एंट्री करते हैं। कैश में हमने गुड्स खरीदे ₹20,000 के। सबसे पहले हमारे पास से कैश कम हुआ ₹20,000 का, तो हम कैश में से लेस कर देंगे, जैसे मैंने क्या हुआ है, लेस ₹20,000, ओके? अब हमारे पास क्या आया, गुड्स आया। तो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, कुछ नोट्स, 3 पॉइंट्स बताए थे उसमें मैंने। जब भी गुड्स परचेज या गुड्स सेल की बात हो, मतलब कोई सी भी एंट्री हो उसमें गुड्स आ जाए इस चैप्टर में हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो हमें गुड्स हमें नहीं दिखाने हैं, ना परचेजेस दिखानी है, हमें दिखाना है स्टॉक। स्टॉक का होता है हमारा एसेट, स्टॉक का मतलब होता है हमारा अनसोल्ड गुड्स, जो गुड्स बिका नहीं है, ओके? तो स्टॉक हम यूज करेंगे, तो स्टॉक हमारा एसेट है, तो एसेट में हम प्लस कर देंगे, स्टॉक के नाम से अपना नया एसेट बनाएंगे। जस्ट एसेट के नीचे हमें अमाउंट देनी है, कितनी, 20,000 की, क्योंकि 20,000 का हमने गुड्स खरीदा है। तो यहाँ पर भी एक बार टोटल करेंगे अपने दोनों साइड का, तो टोटल हमारा सेम आएगा। वो सेम कैसे आएगा, -20,000 +20,000, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो बैलेंस्ड, ओके? अब जैसी हमारी दो एंट्री हो गई, दो एंट्री होने के बाद, दो ट्रांजेक्शन होने के बाद हमें न्यू इक्वेशन निकालनी होती है। तो न्यू इक्वेशन, ट्रांजेक्शन के नीचे लिखा हमने न्यू इक्वेशन। अब इस न्यू इक्वेशन को सॉल्व करते कैसे हैं, जो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन है आप उसे सॉल्व करिए, यानी 50,000 में से 20,000 लेस किए तो कितने बचे, 30,000 +20,000 +30,000। अच्छा, ये अब 30,000 कैसे आया था, मैं इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे, एक तो हमने कैश में खरीदा था एंड एक क्रेडिट में खरीदा था। 30,000 के जो क्रेडिट में खरीदे हमने, क्रेडिट यानी उधार, उधार में खरीदे गुड्स, तो हमारे पास गुड्स तो आए ही आए, तो +30,000 इसलिए हमने स्टॉक में किया। अब चूंकि ये हमने क्रेडिट में खरीदे हैं, तो क्रेडिटर बन गए हमारे। क्रेडिटर क्या होते हैं, जिनके हमें गुड्स के लिए पैसा देना होता है। तो हम लाइबिलिटीज के नीचे एक नया नाम बनाएंगे अपना, क्रेडिटर, उसके जस्ट बिलो लिखेंगे अमाउंट, उसकी अमाउंट कितनी है, 30,000, ओके?
अब न्यू इक्वेशन निकाल रहे थे हम, तो न्यू इक्वेशन निकालते हैं। ये हमारी आई 30,000 + 20 + 30 50,000। सेम अब कैपिटल और लाइबिलिटीज की साइड चलते हैं, 50,000 + 30,000 बोथ टोटल। अब जब भी न्यू इक्वेशन निकालें एक बार दोनों साइड का टोटल देखिए कि सेम आ रहा है या नहीं। यहाँ आप टोटल करके देखिए, आपको ये टोटल सेम मिलेगा। ओके, कम टू आवर थर्ड एंट्री। थर्ड ट्रांजेक्शन हमारी क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000, कॉस्टिंग ₹30,000। हमारे गुड्स थे ₹30,000 के, हमारे यानी बिजनेस के गुड्स थे ₹30,000 के। हमने क्या किया, उन्हें 40,000 में सेल कर दिया। 30,000 वाले गुड्स 40,000 में सेल कर दिए। तो इसका दो इफेक्ट सोचो। सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास से गुड्स कम हुए। गुड्स कितने के कम होंगे, 30,000 के या 40,000 के? 30,000 के, क्योंकि हमने जो सेल किया है वो 30,000 वाला किया है। तो कम हो गए वो गुड्स, तो स्टॉक में से अपना लेस कर देंगे इसे, -30,000। और हमारे पास कैश आया कितना, ₹40,000 का बेचा हमने, तो हमारे पास कैश आया 40,000, तो उसे कैश में ऐड कर देंगे +40,000। अब इसका एक इफेक्ट है हमारा कैपिटल और लाइबिलिटी साइड में भी जा रहा है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। हमने 30,000 वाला गुड्स 40 में आगे बेचा, तो हमारा 10,000 का क्या हो रहा है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होता है, हम उसे कहाँ से एडजस्ट करते हैं, हमेशा कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। तो अब इस बार हमें कैपिटल में करना क्या है, ऐड करने हैं ₹10,000। ओके, मूव टू अवर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अवर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज पेड रेंट ₹500 एंड सैलरीज ₹5,000। हमने रेंट पे किया ₹500 का, तो रेंट पे किया हमने, टू इफेक्ट सोचिए। फर्स्ट इफेक्ट, रेंट पे किया हमने तो हमारे पास से कैश कम हुआ ₹500 का, तो हमने लेस कर दिया यहाँ पे ₹500। सेम ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है। अब जो भी एक्सपेंस होता है, हम उसे कहाँ से एडजस्ट करते हैं, कैपिटल में से, तो कैपिटल में से भी -500 कर देंगे। सेम सैलरीज हमने पे करी ₹5,000 की, तो ये भी क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है। ₹5,000 का कैश कम होगा एंड ₹5,000 हमें कैपिटल से लेस करने हैं। ओके, कम बैक टू अवर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, दैट इज रेंट आउटस्टैंडिंग ₹100, सैलरीज आउटस्टैंडिंग ₹1,000। रेंट आउटस्टैंडिंग है हमारा ₹100 का। अब रेंट आउटस्टैंडिंग मैंने आपको अभी स्टार्टिंग की वीडियो में बताया है कि रेंट आउटस्टैंडिंग ये हमारा एक्सपेंस हुआ। आउटस्टैंडिंग यानी हमें पे करना है, ये हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है इसलिए हमें नई नाम से लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। लाइबिलिटीज के ऑप्शंस के नीचे हमें एक नई लाइबिलिटी बनानी है आउटस्टैंडिंग रेंट के नेम से। इस आउटस्टैंडिंग रेंट के नेम से हमें अमाउंट लिखना है ₹100। ओके, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है एंड ये हमारा एक्सपेंस भी है। एक्सपेंस को हम कहाँ से एडजस्ट करते हैं, हमेशा कैपिटल में से, तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे ₹100। सेम सैलरीज आउटस्टैंडिंग है हमारी ₹1,000 की। अब सेम सैलरीज आउटस्टैंडिंग का भी न्यू नेम देंगे लाइबिलिटीज में, सैलरीज आउटस्टैंडिंग। ओके, सेम ₹1,000 एंड ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो इसे भी लेस कर देंगे ₹1,000। फिर से न्यू इक्वेशन निकालेंगे। अब इस लाइन का मतलब आपको पता है क्या होता है, लाइन का मतलब होता है जब भी हमने न्यू इक्वेशन के लिए लाइन खींची, इसका मतलब अब हमें इस लाइन के ऊपर की ट्रांजेक्शन से कोई मतलब नहीं है। जो हमारी न्यू इक्वेशन आई है अब हमें उसमें एडजस्टमेंट करना है। ओके, तो हम न्यू इक्वेशन निकालते हैं। न्यू इक्वेशन हमारी आई 64,500 + 20,000 + 500। हेयर 53,400 + 30,000 + 100 + 1,000। अब अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारी नेक्स्ट एंट्री है बॉट गुड्स ऑफ 5,000 ऑन क्रेडिट। बॉट फर्नीचर, हमने फर्नीचर परचेज किया ₹5,000 का ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में फर्नीचर परचेज किया। टू इफेक्ट क्या हुए, कैश कम होगा क्या इसमें हमारा, नहीं,
क्योंकि उसने क्लियरली मेंशन किया है कि क्रेडिट में परचेज किया हमने, तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सबसे पहला इफेक्ट तो यही आएगा हमारा कि हमने फर्नीचर परचेज किया है, तो फर्नीचर क्या है हमारे लिए? एसेट है, तो एसेट हमारा आएगा। जब भी एसेट आएगा हम एसेट में एक न्यू नेम बना देंगे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा एसेट में? फर्नीचर आ रहा है प्लस फर्नीचर। हेयर फर्नीचर के नीचे अब हमें 5,000 रुपीज़ उसकी अमाउंट लिखनी है जो क्वेश्चन में दी हुई है। सेम ये हमारे लिए एसेट था। अब हमने जो ये क्या क्रेडिट में खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा यानी हमें इसके लिए पे करना होगा फ्यूचर पीरियड में, पे करना है। तो ये हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी में हम क्रेडिटर हमने पहले से बनाया हुआ है उसमें ही ऐड कर देंगे, ऐड 5,000 रुपीज़ हेयर दिस। ओके कम टू अवर नेक्स्ट एंट्री। अवर नेक्स्ट एंट्री इज बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज ₹5,000। पर्सनल यूज के लिए रेफ्रिजरेटर खरीदा है 5,000 रुपीज का। टू इफेक्ट सोचते हैं। सबसे पहले रेफ्रिजरेटर हमारे पास आया नहीं, बिल्कुल नहीं आया। ये उसने अपने पर्सनल काम के लिए खरीदा था, ना कि बिजनेस के लिए। ओके तो इसमें हमारा एसेट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। अब इसने क्या किया, 5,000 रुपीज़ का रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए उसने पैसे ले लिए। पैसे लिए होंगे तभी उसने रेफ्रिजरेटर खरीदा, तो हमारे पास से कैश कम हुआ है। ओके यहाँ से कैश कम हुआ हमारा 5,000 रुपीज़ का। एंड सेकेंड हमारा इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये हमारे लिए एक तरीके से क्या है, लॉस है। तो लॉस कहाँ से एडजस्ट कर देंगे हम एडजस्ट करेंगे इसे कैपिटल से। ओके ये हमारे लिए क्या हुआ, ड्राइंग्स बनी। ड्राइंग्स ड्राइंग्स क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस को हम कहाँ से एडजस्ट करते हैं, हमेशा कैपिटल से। तो कैपिटल में से भी 5,000 माइनस कर देंगे। ओके यहाँ से हम अपनी न्यू इक्वेशन निकालते हैं फिर से। 59,500 प्लस 20,000 प्लस 5,000 हेयर 48,400 प्लस 35,000 प्लस 100 प्लस 1,000। अब अपनी नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपना, जिससे हमें पता रहे कि हमें इस लाइन के ऊपर की एंट्री से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ न्यू इक्वेशन के साथ ही एडजस्टमेंट करनी होती है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है हमारी, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹20,000। अब हमने यहाँ पे कैश में फर्नीचर खरीदा है 20,000 रुपीज़ का, तो हमारे पास फर्नीचर ऐड होगा। फर्नीचर को हमने पहले से बना रखा है अपना कॉलम, तो उसी में ऐड कर देते हैं प्लस 20,000। यहाँ पे वही अपनी ट्रांजेक्शन लिखनी होती है। सेम 20,000 का हमने कैश में परचेज किया है, तो हम इसे कैश में से लेस कर देंगे 20,000। ओके सिंपल एंट्री थी। न्यू इक्वेशन निकालते हैं। ये आया हमारा 39,500 प्लस 20,000 प्लस 25,000 हेयर 48,400 प्लस 35,000 हेयर 100 देन 1,000। सिंपल एंट्री थी हमारी। इसमें हमारा इफेक्ट कैपिटल या लाइबिलिटीज में कुछ नहीं आया, क्योंकि ये सिंपल एंट्री थी कैश की, तो कैश में से हमने माइनस कर दिया और अपने फर्नीचर में ऐड कर दिया। चलिए हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। अपने नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ₹10,000। पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला 10,000 रुपीज़ का। सेम पहले की तरह ही है हमारा। ये हमारे लिए क्या हुई, ड्राइंग्स हुई। हमने कैश निकाल लिया 20,000, तो बिजनेस में से कैश कम हो गया कितने का, ₹20,000 का। तो कैश में से हम माइनस कर देंगे ₹20,000। एंड ये क्या है, लॉस है, एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। तो हम इसे कहाँ से एडजस्ट करते हैं, कैपिटल में से। तो कैपिटल में से 20,000 माइनस कर देंगे। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या आई, हमारी न्यू इक्वेशन है, न्यू इक्वेशन
19,500 प्लस 20,000 प्लस 25,000 हेयर 28,400 देन 35,000 प्लस 100 देन 1,000। ओके सेम, अब हम इसे जल्दी से कवर अप कर लेते हैं। तो हमारी लास्ट एंड मेन एंट्री रह रही है जो हमने वीडियो की अपनी स्टार्टिंग में सीखा था। हमारी नेक्स्ट एंट्री है हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 500 एंड कैपिटल रुपीस 1,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखते हैं हम। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए हमें सोचना पड़ेगा दो इफेक्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स के ऊपर हमें इंटरेस्ट लेना होता है या देना होता है। हम कौन है, बिजनेस, तो हमें ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। मिलेगा यानी हमारी क्या है, ये इनकम। इनकम को हम कहाँ से एडजस्ट करते हैं, कैपिटल में से। तो कैपिटल में से हम 5,000 को ऐड करेंगे, ये हमारी इनकम है प्लस 500। ओके सेम, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए तो इनकम हो गई, बट ओनर के लिए ये क्या है, लॉस है, उसे अब पे करना होगा। तो ये लॉस है, तो लॉस को भी कहां से एडजस्ट करते हैं, कैपिटल में से, तो माइनस 500। समझ आया। सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीज 1,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीज 1,000, इसे भी करते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट हमें देना होता है या हमें मिलेगा, इंटरेस्ट हमें देना होता है कैपिटल पे, क्योंकि कैपिटल ओनर की होती है, तो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट देना है। देना है यानी हमारे लिए क्या है, ये लॉस है, तो लॉस को हम कैसे एडजस्ट करते हैं, कैपिटल में से। तो कैपिटल में से हम माइनस कर देंगे रुपीज 1,000। एक इफेक्ट तो ये हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या हुआ, दूसरा इफेक्ट हमारा ये हुआ कि हम इसे, ये हमारे ओनर के लिए क्या है, क्या है ओनर के लिए, इनकम है, तो इनकम को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड कर देंगे कैपिटल में प्लस 1,000। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं खत्म होता है। अब इसकी हम न्यू इक्वेशन निकाल लेते हैं, अपनी न्यू इक्वेशन हेयर 19,500 प्लस 20,000 प्लस 25,000 हेयर, ये आपस में देख लीजिए आप कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 500 से माइनस 500, माइनस 5,000 से सॉरी 1,000 से प्लस 1,000 हेयर 28,400 प्लस 35,000 प्लस 100 प्लस 1,000। ओके तो ये आप इसका टोटल करके देखिए, ये टोटल सेम आएगा बिल्कुल दोनों साइड का, तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा सबसे हार्ड क्वेश्चन माना जाता है, इसमें हमारी सारी एंट्रीज कवर हो गई थी, तो ये हमने आज किया। अब हमने यहाँ पे इसका बैलेंस शीट भी बनानी है, तो मैं आपको इसकी बैलेंस शीट बनाना सिखा देता हूँ। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, तो चलिए हम अपनी बैलेंस शीट का एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, देखिए सबसे पहले ये बैलेंस शीट आपको पता है कि ये मंथ के एंड में, ईयर के एंड में बनाई जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन, फिर यहाँ पे अपनी डेट लिखनी होती है, जो भी डेट दी होगी क्वेश्चन में। देन हमारे लेफ्ट साइड की तरफ आती हैं लाइबिलिटीज एंड राइट साइड की तरफ आती है एसेट्स। अब हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं हमारे लाइबिलिटीज और एसेट्स क्या थे, जो हमने अभी इक्वेशन सॉल्व की थी। इसमें हम सबसे पहले एसेट देखते हैं, एसेट कौन कौन से हैं हमारे, इसमें कैश है, स्टॉक है एंड फर्नीचर। तो हम अपने एसेट साइड में ये सब लिख देंगे, सबसे पहले कैश, देन स्टॉक, हमें इसका सबसे लास्ट वाला बैलेंस लिखना होता है जो बचता है हमारे पास, फर्नीचर। अब हमारी लाइबिलिटीज और कैपिटल्स हैं क्या, सबसे पहले आता है कैपिटल, तो हम कैपिटल लिखते हैं लाइबिलिटीज साइड में, सबसे पहले आता है कैपिटल लाइबिलिटीज साइड में। देन हमारी फिर लाइबिलिटीज क्या क्या हैं, अभी लाइबिलिटी है हमारी क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट
आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अब हम इसका बैलेंस लिख देते हैं। कैपिटल का बैलेंस है हमारा, सबसे लास्ट वाला बैलेंस देखना है हमें, 28,400। तो कैपिटल का हम बैलेंस लिख देंगे 28,400। फिर उसके बाद क्रेडिटर का हमारा बैलेंस है 35,000। देन 35,000 सेम। आउटस्टैंडिंग रेंट का है 100 रुपीज़ एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी का है 1,000 रुपीज़। अब कैश का एक बार बैलेंस देख लेते हैं हम। कैश का बैलेंस है 19,500। हेयर 19,500। देन हमारे स्टॉक का बैलेंस है 20,000। फर्नीचर का बैलेंस है 25,000। अब इसका टोटल कीजिए। इसका टोटल करें अगर हम, तो हमारी लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड का टोटल सेम आना चाहिए। सबसे पहले एसेट साइड का टोटल करते हैं। टोटल कीजिए क्या आ रहा है, ये आता है 0, 0, देन 5, देन 4, 1, 64,500। सेम 35,000 था, यहाँ पर भी हमारा आता है 0, 0, 5, 4, 6। टोटल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है और ये हमारी बैलेंस शीट है। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी टफ क्वेश्चन किया था, तो और उसके साथ हमने आपको बैलेंस शीट भी बनाना सिखाई कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो ये हमारा चैप्टर, अपने टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे और आपको आगे का टॉपिक समझाएंगे। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।